हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके ल्यूसेंट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडिया का ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आंसर दीजिए। तो उसका आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को जो है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये 3 बार जो है INC के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बेसिकली इसका आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। इनको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे जो है मॉडर्न चीज़ हमारे इंडिया में लाए हैं, जैसे कि सती प्रथा, बाल प्रथा, बाल विवाह, ये सब को इन्होंने अपोज किया, हटाने में हेल्प किया, इसलिए उन्हें कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपका है बिगेस्ट सी जो है वो कहाँ पर है, कौन सा है, पहले ये बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा येलो सी, जो कि चाइना में है, दुनिया का सबसे बड़ा सी से माना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि टकला डेजर्ट कहाँ सिचुएटेड है। जब मैंने पहली बार इसका नाम सुना था तो मुझे लगा था इंडिया में होगा क्योंकि ये सब वर्ड इंडिया में ही यूज़ होता है, बट चाइना में है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम जो क्वेश्चन मैंने आपको बोल रही हूँ वो एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला जो फोर्ट है, पहला किला ब्रिटिश के द्वारा कौन सा बनाया गया था इंडिया में, कौन सा किला है जो कि ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था इंडिया में पहला वाला, तो वो आपका सेंट जॉर्ज फोर्ट हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए पसंद आ रहा हो तो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैस कौन सा है, स्ट्रॉन्गर लिखा है बट स्ट्रॉन्गेस्ट आप मानिएगा, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ज़ेनॉन, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर गैस माना जाता है। और हाइड्रोजन जो है उसको जो है सबसे अनरिएक्टिव गैस माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है, वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एम्फोथेरिक। ठीक है, होप सो आप याद रखिएगा इसको भी। तो गाइस, ये थे कुछ आज के क्वेश्चन। तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है मैं इसमें कंटेंट कवर अप करती हूँ। मिलता है।